हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेवाड़ इनर सिंह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एंडोक्राइन सिस्टम अपन लर्न कर रहे थे, उसी के अंदर आज हमारा 14 दिन है, पार्ट 4। आज अपन कैरी ऑन करेंगे, जिसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यहाँ पे लर्न करेंगे, जिसके अंदर पहला होगा अपना ओवरी टेस्टिस, मतलब जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर, उनके बारे में अपन सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे ओवरी की, टेस्टिस की। देन आफ्टर पेनक्रियाज को भी लर्न करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उतना पेनक्रियाज भी यहाँ पे फिनिश करेंगे। देन आफ्टर अपना कल का टॉपिक इंसुलिन थेरेपी पे होगा, बहुत ही बड़ा टॉपिक है इंसुलिन थेरेपी और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी, तो आप प्लीज़ वो टॉपिक भी मिस ना करें और आज की क्लास भी मिस ना करें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है हमारी आज की क्लास। जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी कैरी ऑन कर सकें। तो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो डायग्राम दिखा है आप सभी के सामने वो क्या है, वो है टेस्टिस इन स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस। पूरी की पूरी यहाँ पे पिक्चर क्लियर करेंगे अपन, डायग्राम के थ्रू भी करेंगे। पहला अगर डायग्राम अपन देखते हैं, ऊपर वाला फर्स्ट वाला डायग्राम में टेस्टिस इन स्क्रोटम, स्क्रोटम दे रखा है आपको, स्क्रोटम वाला एरिया, उसके अंदर होता है यहाँ पे टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है और इसी से सिमन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, वो सिमन यहाँ पे रिलीज होता है, सेमनिफेरस ट्यूबल से सिमन रिलीज होता है। देन आफ्टर दूसरी अगर पिक्चर्स अपन देखें तो टेस्टिकल, फिर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल होता है, उससे यहाँ पे वाजा डिफरेंस निकलती है और वाजा डिफरेंस यहाँ पे सिमन का यहाँ पे वर्क, यहाँ पे जो सिमन होता है वो यहीं से यहाँ पे फॉर्म होता है, स्क्रोटम से फॉर्म होता है, स्पर्म भी बोल सकते हैं अपन, सीमन और स्पर्म दोनों का वहाँ पे फॉर्मेशन एरिया कहाँ पे होता है, टेस्टिकल में, टेस्टिस ये वो फॉर्मेशन करता है स्पर्म का और सीमन का। फिर यूरिथ्रा से होता हुआ पेनिस के द्वारा यह बाहर निकल जाता है, तो ये यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन होता है। टेस्टिस जो ग्लैंड होती है और ओवरी, देन आफ्टर अपन ओवरी भी पढ़ेंगे, टेस्टिस ग्लैंड पाई जाती है मेल के अंदर, स्पेशली मेल के अंदर ही पाई जाती है, याद रखना, इट इज़ ए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यह एक प्रकार की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, दोनों ही, ओवरी भी होती है और टेस्टिस भी होती है, पर टेस्टिस मेल के अंदर और ओवरी फीमेल्स के अंदर। शेप की बात करें तो ओवल शेप होती है, ओवल यानी अंडाकार, अपन सभी को दिख भी रहा है अंडाकार है बिल्कुल, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, वाइड यानी चौड़ा। और आई बॉल की बात करें या लिम्फ नोड की बात करें तो वह भी पैरामीटर 2.5 सेंटीमीटर ही होता है, और 3 सेंटीमीटर थिक यानी मोटाई इसकी 3 सेंटीमीटर होती है। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम ईच टेस्टिस, दोनों टेस्टिस यहाँ पे अलग अलग वेट है, 10 ग्राम का राइट वाला ही होगा और 10 ग्राम का लेफ्ट होगा, मतलब दो होते हैं टेस्टिस, मेल के अंदर टेस्टिस कितने होते हैं, दो, फीमेल के अंदर ओवरी कितनी होती है, दो। लोकेशन स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड होता है पेल्विक कैविटी में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लिखने वाले बच्चे हैं वो भी लिख सकते हैं, और डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पे ये टेस्टिस है वो मेल के अंदर होता है, ओनली फॉर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, और शेप की बात करें तो ओवल शेप होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक, 10 से 15 ग्राम एक टेस्टिस का वजन होता है, वेट कितना होता है, एक प्रति
पर टेस्टिस का वेट कितना होता है? ईच टेस्टिस 10 से 15 ग्राम, और लोकेशन कहाँ होती है? स्क्रोटम के अंदर। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जो पेनिस होता है उसके लोअर की तरफ, नीचे की तरफ दो थैलीनुमा स्ट्रक्चर होती है, बेग लाइक स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं स्क्रोटम। जैसे आपको डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्क्रोटम है, और ये है पेनिस। पेनिस के नीचे की तरफ, लोअर की तरफ ये स्क्रोटम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है? इट इज़ अबाउट 200 से लेकर 300, 200 से लेकर 300 लोबुल्स इन ईच टेस्टिस। अपर टेस्टिस के अंदर सभी, एक एक टेस्टिस के अंदर जो लोबुल्स की संख्या होती है, और लोबुल्स किसे बोलते हैं? ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, लोबुल्स, इसी को बोलते हैं लोबुल्स। उसकी संख्या कितनी होती है यहाँ पे? 200 से लेकर 300 लोबुल्स होते हैं पर टेस्टिस, एक टेस्टिस में। और ईच कंटेन 1 से लेकर 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और ये 1 से लेकर 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यहाँ पे पाई जाती है। ईच यानी प्रति किडनी, सॉरी प्रति टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। बिटवीन द ट्यूबल्स आर ग्रुप ऑफ इंटेस्टाइनल सेल, सेल ऑफ लेडीग दैट सीक्रेट द हॉर्मोन टेस्टोस्टेरोन। सीधा सा मीन है यहाँ पे, ट्यूबुल्स के जो ग्रुप सेल होती है, इस ट्यूबुल्स के अंदर, सेमनीपेरस ट्यूबुल्स के अंदर ग्रुप सेल होती है इंटेस्टाइनल सेल, सेल ऑफ लेडीग, इसका नाम है सेल का, सेल ऑफ लेडीग। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है टेस्टिस से निकलता है, याद रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ए सीरोटोली सेल, ए सीरोटोली सेल, इसको बोलते हैं नर्स सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी अपन कंसिडर करते हैं, बोला जाता है नर्स सेल भी इसको बोला जाता है। किसको? यहाँ पे सीरोटोली सेल को। ऑफ द टेस्टिकल दैट पार्ट ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूबल्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये क्या करती है? टेस्टिकल पार्ट ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स का पार्ट होती है और हेल्प करती है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है, स्पर्म का जो निर्माण करने की जो प्रोसेस है, स्पर्म को फॉर्म करने की जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है, उसके अंदर ये अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की जो हमारी क्लास है, वो एग्ज़ाम पर्पज़ ऑफिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारी हर क्लास इम्पोर्टेंट ही होती है, लेकिन आज की क्लास कुछ स्पेशल है, क्योंकि तो इसके अंदर पेनक्रियाज आ रहा है, और पेनक्रियाज से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आवे, आता ही आता है। स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटी सेल अगर ह्यूमन बॉडी की अपन काउंट करते हैं तो वो कौन सी होती है? स्पर्म। कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पर्म, मेल के अंदर, याद रखना, वो कोई किसके अंदर है? मेल के अंदर है, याद रहेगा सबको, स्पर्म मेल के अंदर सबसे छोटी यहाँ पे सेल होती है, सबसे छोटी सेल होती है। और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? माइक्रोन, 1 माइक्रोन डायमीटर होता है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 दिन होती है, मतलब 48 से लेकर 72 घंटे यहाँ पे लाइफ स्पैन मानी जाती है स्पर्म की, कि स्पर्म का कितने दिन तक जीवित रह सकता है? 2 से लेकर 3 दिन तक। 1 ml सीमन के अंदर 15 मिलियन स्पर्म नॉर्मली होते हैं, 15 मिलियन, 50 मिलियन, 15 मिलियन यहाँ पे होते हैं, 15 मिलियन होते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? इफ लेस देन 15 मिलियन, अगर यह स्पर्म काउंट है वो 15 मिलियन से कम हो जाता है,
तो इनफर्टिलिटी कॉज करता है, क्या कॉज करता है? इनफर्टिलिटी कॉज करता है ओर्चाइटिस। ओर्चाइटिस की वजह से इनफर्टिलिटी होता है, मतलब टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बनेगा, ओर्चाइटिस वाली कंडीशन। तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी कॉज होता है। और ओर्चाइटिस किसका कॉम्प्लिकेशन है? मेल के अंदर मम्स का, याद रखना, मम्स सलाइवरी ग्लैंड। अब आता है अपने पास में अलग सी, वन कोइटस। एक कोइटस में 4 to 6 ml सीमन लॉस होता है। लॉस का मतलब इतना सीमन बाहर बहता है। वाइट अपीरियंस ड्यू टू सेमिनल वेसिकल्स, और ये सेमिनल वेसिकल्स से यहाँ पे अपीयर होता है, ठीक है। स्पर्म आफ्टर इजैकुलेशन विद 30 मिनट टू 1 आवर, स्पर्म के इजैकुलेशन के बाद में आधे घंटे से 1 घंटे तक रीच टू एम्पुला फॉर फर्टिलाइजेशन अकर इन 6 to 8 आवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि स्पर्म का इजैकुलेशन करने के बाद में 30 से लेके 1 घंटे, 30 मिनट से लेके 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में वो जो स्पर्म है वो एम्पुला वाले पार्ट में पहुंच जाएगा। और एम्पुला वाला पार्ट में पहुंच गया, और 6 से 8 घंटे बाद में अगर वहाँ पर ओव्यूम मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन भी कर देगा। अब आप सोच सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर तो वह एम्पुला वाले पार्ट में पहुंचेगा और 6 से 8 घंटे में वह फर्टिलाइजेशन भी कर देगा। इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी 72, अनवांटेड 72 भी दी जाती है। इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है? सब समझदार है, सब समझ गए होंगे। जब नई नई शादी होती है तो फिर इमरजेंसी कंडीशन भी पैदा होती है। अब आता है एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस क्या होता है? वाजा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, मेल डक्ट विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू द पेनिस। और क्रिप्टोचिडिज्म, अब यहाँ पे लिखा है वाजा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और वाजा डिफरेंस होती है, वो क्या काम करती है? लाने का काम करती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एपिनडाइडिमिस। एपिनडाइडिमिस बोलते हैं इसको, मेल डक्ट विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म टू पेनिस। और यह क्या करती है? एपिनडाइडिमिस क्या करती है? स्पर्म को यहाँ पे वाजा डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स में लाने का और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, पेनिस से बाहर निकालने का काम करती है। फिर आता है क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टो काइडिज्म भी बोल सकते हैं इसको, काइडिज्म भी बोल सकते हैं और चिडिज्म भी बोल सकते हैं। वो अलग अलग यहाँ पे रहता है सब टीचर का, कौन क्या बोलता है। अपन क्या बोलते हैं? क्रिप्टो काइडिज्म भी बोल सकते हैं, क्रिप्टो चिडिज्म भी बोल सकते हैं। वो प्रोनाउंसिएशन है, वो कुछ भी बोले। टेस्टिस फेल टू डिसेंड इंटू स्क्रोटम। अब यहाँ पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रिप्टो और चिडिज्म वाली कंडीशन कौन सी है? जब ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है, ये एक प्रकार की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है। होता क्या है कि टेस्टिस होता है वो डिसेंड नहीं हो पाता है, स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाता है, उसको बाहर से धक्का देके डिसेंड करना पड़ता है। तो वो वाली कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म। फेल टू प्रोड्यूस स्पर्म सेल, और ये क्या होता है? स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करने में भी फेल हो जाता है। टेम्परेचर इन एब्डोमिनल कैविटी इज टू हाई, और टेम्परेचर होता है एब्डोमिनल कैविटी का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्क्रोटम कहाँ होता है, सॉरी, जो आपका टेस्टिस कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से यहाँ पे डिसेंड नहीं हो पाता, नीचे की तरफ डिसेंड नहीं हो पाता, और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर हाई रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है, तो स्पर्म यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा और रिजल्टिंग इनफर्टाइल, मेल इज इनफर्टाइल, मतलब इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा मेल। होगा क्या? क्रिप्टोचिडिज्म वाली कंडीशन क्या होती है कि यह आपका ये मेल है, ठीक है, ये समझ में आया, ये आपका स्क्रोटम है। अब ये है आपका एब्डोमिनल वाला एरिया ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा? टेस्टिस यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेगा, नीचे की तरफ डिसेंड नहीं होगा, ये डिसेंड नहीं होगा।
ये डिसेंड नहीं होगा, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है और यहाँ पे पेरिनियल एरिया का लो रहता है। तो वो वाले हाई वाला टेम्परेचर में अगर फिर ये हाई वाला टेम्परेचर है तो हाई वाला टेम्परेचर में ये स्पर्म ग्रोथ नहीं करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा तो पेशेंट या जो पर्सन है वो यहाँ पे इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है अपने पास में आती है, तो क्रिप्टोरचिडिज्म, टेस्टिस फेल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, सही जैसा मीन है इसका, और फेल प्रोड्यूस स्पर्म सेल। क्यों? क्योंकि ये रीज़न दे रखा है, और रिजल्टिंग क्या होता है, पेशेंट इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन का यहाँ पे सिक्रेशन करता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन में कौन सा आता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्ले रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी बट आल्सो वेरी लेस अमाउंट इन फीमेल। और याद रखना ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो मेल रिप्रोडक्टिव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रोल प्ले कहाँ पे करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में, मेल की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है उसी में यह रोल प्ले करता है। बट कई कई केसेस के अंदर यह फीमेल्स के अंदर भी वेरी लो अमाउंट में देखा गया है, फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है पर लो अमाउंट में, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन लो अमाउंट में फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन। डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, और ये जो काम, ये किसका काम, ये क्या काम करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट का काम करता है, सच एज टेस्टिस एंड प्रोस्टेट, टेस्टिस और प्रोस्टेट है उसको यहाँ पर डेवलपमेंट करने का काम करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर अपने पास में आती है यहाँ पे ओवरी, और ओवरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओवरी मैं बता दूँ सिंपल सा एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ, है आपके सामने फिर भी बता रहा हूँ मैं। ये फंडस वाला एरिया है, सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल स्क्रीन है अपनी, तो वहाँ पे पैनल नहीं है अपने पास में, तो पैनल नहीं है तो इसे ऐसे ही बनाना पड़ता है छोटा सा मार्कर से, तो इसी प्रकार से बनाए। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो ये वाला पार्ट होता है वो होता है यहाँ पे कौन सा होता है, फंडस, फिर बीच वाला पार्ट बॉडी, और ये सर्विक्स वाला पार्ट। तो अगर अपन इसका डायग्राम के अंदर भी देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखेगा आपको डायग्राम में भी, एक तो सर्विक्स दिख रहा है आपको सभी को, सर्विक्स वाला पार्ट है, फिर वेजाइना, वेजाइना नीचे की तरफ होता है, ओवरी ये साइड में ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब ये इस प्रकार से होती है, नॉर्मली एनाटॉमी सबको पता है, यूट्रस बिल्कुल बीचों बीच, फंडस ऊपर की तरफ, और ये यूट्राइन ट्यूब, अब फेलोपियन ट्यूब को अपन यूट्राइन ट्यूब भी बोल सकते हैं या ओविडक्ट भी अपन बोल सकते हैं। ये सारे के सारे पार्ट है इसके यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर ये ओवरी के अंदर की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्राइमरी फोलिकल्स, ग्राफियन फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स उस साइड, ये सारे के सारे। अब जैसे सबसे पहली अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था होती है वो होती है प्रीमोर्डियल फोलिकल, प्रीमोर्डियल फोलिकल किसमें बदलेंगे, प्राइमरी फोलिकल के अंदर, प्राइमरी फोलिकल यहाँ पे उस साइड के अंदर बदलेंगे, उस साइड फिर आगे जाके सेकेंडरी फोलिकल बनाएगा, सेकेंडरी फोलिकल यहाँ पे ग्राफियन फोलिकल बनाएगा, ग्राफियन फोलिकल यहाँ पे एग का फॉर्मेशन करेगी, और एग यहाँ पे ओव्यूलेशन के लिए, और डेवलपिंग कॉर्पस और कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा, और डीजनरेटिंग कॉर्पस लूटियम यहाँ पे बनेगी और फट यहाँ पे आउट हो जाएगा, यहाँ से जो ग्राफियन फोलिकल है वो आउट हो जाएगा एग के रूप में। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस रहती है पूरी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में आता है प्रीमोर्डियल, फिर यहाँ पे प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल बाद में उस साइड के बाद में सेकेंडरी फोलिकल, फिर ग्राफियन फोलिकल,
और फिर एक के रूप में यहाँ पे बाहर की तरफ आउट हो जाता है। और फिम्ब्राई होती है जो फिलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, फिम्ब्राई वो उसको कैच कर लेती है, और उसको कैच करने के बाद में यह विभिन्न विभिन्न पार्ट में होके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के निकलता है, तो इस प्रकार से, और एम्पुला वाला पार्ट में जाके फर्टिलाइज हो जाता है। ओवरी इन फीमेल, फीमेल ओवरी में, ओवरी के अंदर फीमेल्स के अंदर ओवरी पाई जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में। तो यहाँ पे पहला ही लिखा है यहाँ पे वुमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओवरी क्या होती है? वुमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। एग ओवा प्रोड्यूस करती है। शेप अलमंड या लेक्रामेल लेक्रिमल जो ग्लैंड होती है उसके शेप की होती है। अबाउट 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ओफराइटिस किसको बोलते हैं? ओवरी के इंफ्लामेशन को अपन ओफराइटिस बोलते हैं। ओफराइटिस कंसिडर किया जाता है यहाँ पे ओवरी का इंफ्लामेशन। ओफरेक्टोमी यानी ओवरी को रिमूव करना ओफरेक्टोमी कहलाता है, पूरी ओवरी को ही रिमूव करना। तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद में आप इसको लिख भी सकते हैं। तो नोटबुक में नोट जरूर करें, नोट करना बिल्कुल ना भूलें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओवरी, और ये वाला जो चैप्टर है अपना ओवरी प्राइमरी ओसाइड ये सारे के सारे डिटेल में अपन एक सब्जेक्ट है अपना पूरा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट है, वहाँ पे अपन पूरी की पूरी ओवरी की डिटेल में एनाटोमी फिजियोलॉजी वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है आप सभी के लिए, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपन सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, एमएसएन पढ़ रहे हैं। सिक्रेटिंग हार्मोन कौन कौन से सिक्रेट होते हैं हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है? एस्ट्रोजन करता है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज इंक्लूड ब्रेस्ट एंडोमेट्रियम री रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब ये इसका वर्क होता है एस्ट्रोजन का, एक तो एंडोमेट्रियम को बनाता है, ब्रेस्ट को, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये इस प्रकार से वर्क करता है। देन आफ्टर प्रोजेस्टेरोन के बात करें तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को यहाँ पे प्रिपेयर करेगा, मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। देन आफ्टर इसका मेमोरी ग्लैंड फॉर लोकेशन, मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन होता है और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये मिल्क का प्रोडक्शन नहीं, यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड के मेंटेनेंस के लिए भी यह जरूरी है प्रोजेस्टेरोन। मिल्क का प्रोडक्शन तो प्रोलैक्टिन करता है, याद रखना, और इजैकुलेशन ऑक्सीटोसिन करता है। टेस्टोस्टेरोन लिटिल बिट पाया जाता है, लिटिल बिट यानी थोड़ा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो इसका भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। डेवलप फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ये एस्ट्रोजन करता है, ब्रेस्ट एंडोमेट्रियम और रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये एस्ट्रोजन का वर्क होता है। अब आता है अदर हार्मोन, अदर हार्मोन की बात करें तो स्टोमक या जीआई गट हार्मोन भी अपन बोल सकते हैं, वो सिक्रेट होते हैं इसको यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर कुछ भी लिख सकता है। एंटेरो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, एंटेरो इंडोक्राइन सेल। एडिपोज टिश्यू लेप्टिन सेटाइटी हार्मोन भी ये हेल्प टू रेगुलेट एनर्जी बैलेंस और इनहिबिटिंग हंगर। ये अदर हार्मोन है, ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करते हैं। और गर्लिन यानी हंगर हार्मोन प्रोड्यूस बाय गर्लिनर्जिक सेल्स इन द स्टोमक, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इनका, इनको सिर्फ पढ़ना है अपन को।
अब अपने पास में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक, और उसको अपन क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। मेरा टारगेट था कि ओवरी और टेस्टिस को यहाँ पे 15 मिनट के अंदर ही फिनिश कर दूँ, लेकिन होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को डिटेल में बताने की थोड़ी आदत है, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा खींच लेता हूँ। तो पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज को अपन क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड। स्वीट यहाँ पे ये पसीना वाली नहीं है, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक फिर से हुई है। यहाँ पे स्वीट यानी पसीना नहीं है, स्वीट यानी मिठाई है, मीठा, SWEAT है। स्पेलिंग में वापस लिख के बता दूँ, ये वाली स्पेलिंग है इसके अंदर, याद रखना, स्वीट है। तो ये एक प्रकार की स्वीट ग्लैंड भी होती है। पार्शियली इंडोक्राइन एंड पार्शियली एक्सोक्राइन सिस्टम पार्टिसिपेट, दोनों सिस्टम में यह पार्टिसिपेट करती है। पार्शियली यानी कुछ रूप में इंडोक्राइन में भी होती है, और कुछ कुछ रूप में यह एक्सोक्राइन सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करती है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसका रोल एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ। अब ये एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज तीनों क्या करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में रोल प्ले करते हैं। ब्रेक डाउन यानी तोड़ने में, उनको तोड़ने में, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। शेप, शेप इसका कैसा होता है, जे शेप, जे शेप का होता है यह ऑर्गन पेनक्रियास। इट इज आल्सो नोन एज स्वीट ग्लैंड, अब इसको स्वीट ग्लैंड भी बोला जाता है। और वेट होता है इसका 60 to 90 ग्राम, मतलब 60 से लेकर 90 ग्राम इसका वेट होता है। और इस लेट्स ऑफ लेंगरहेंस, एक सेल होती है पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, इस लेट्स ऑफ लेंगरहेंस 2 मिलियन प्रेजेंट इन पेनक्रियाज, ये 2 मिलियन के आसपास पाई जाती है। इस लेट्स ऑफ लेंगरहेंस की जो सेल होती है वो 2 मिलियन पाई जाती है, कम से कम 2 मिलियन तक यह सेल पाई जाती है पेनक्रियाज के अंदर। और पेनक्रियाज के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला पहला अपन कंसिडर करते हैं, ये तो रहा आपका स्प्लीन, ये स्प्लीन, स्प्लीन के पास में टेल पार्ट होता है, फिर बीच वाला बॉडी, और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका हेड है, पूरा का पूरा हेड है, ये पेनक्रियाज के पार्ट है। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये ड्यूडिनम है, ये क्या है, ड्यूडिनम, जो यहाँ पे स्टोमक से ऊपर से जुड़ा होता है और नीचे की तरफ जेजुनम से जुड़ा होता है, तो ये ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के बाद में ये क्या है, आपका गॉल ब्लैडर है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ये इसमें जो आने वाले सिस्टिक डक्ट वगैरह ये सारी की सारी डक्ट है। तो ये पेनक्रियाज की लोकेशन है, ऊपर की तरफ सुपीरियरली तो होता है स्टोमक, इन्फीरियरली होता है ड्यूडेनम, और लेटरली होता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर। और लेटरली राइट साइड में तो गॉल ब्लैडर, और लेफ्ट साइड में लेटरली क्या होता है, स्प्लीन, जो कि RBC का यहाँ पे भक्षण करता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई सबको। और टू सीक्रेट इंसुलिन बाई बीटा सेल लोकेटेड इन टेल पोर्शन ऑफ पेनक्रियाज, और जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है वो सेल कौन सी होती है, बीटा सेल, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, कौन से सेल से होता है, बीटा सेल से, और वो लोकेटेड कहाँ होती है, टेल पोर्शन में, पेनक्रियाज के टेल पोर्शन में, मतलब यहाँ पे ये लोकेटेड होती है। हॉर्मोन सिक्रेटेड बाई द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं मेनली, वो सारे के सारे हार्मोन। तो यहाँ पे पेनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बताया गया है, कौन कौन से हार्मोन है पेनक्रियाज से निकलते हैं, कि 3 सेल होती है। पहली सेल है अल्फा सेल, इस लेट्स ऑफ लेंगरहेंस की 3 सेल होती है अल्फा सेल, 20% यहाँ पे इसका एरिया होता है, वहाँ से स्टिमुलेट बाई सिंपेथेटिक नर्व एंड सिक्रेट। अब ये सिंपेथेटिक नर्व को यहाँ पे स्टिमुलेट करेगी, और वहाँ से क्या होगा, सिंपेथेटिक नर्व जब स्टिमुलेट होगी अल्फा सेल
वहाँ पे स्टिमुलेट होगी तो ग्लूकेगोन हार्मोन सिक्रेट होगा। अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगोन हार्मोन। अब ये किसके द्वारा निकलता है? सिंपेथेटिक नर्व जब स्टिमुलेट होगी और सिक्रेट होगी, और ये अल्फा सेल से निकलता है। सिंपेथेटिक नर्व का स्टिमुलेट होना जरूरी है। अब सिंपेथेटिक नर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकेगोन हार्मोन सिक्रेट और टू रिलीज स्टोर फूड शुगर इनटू ब्लड। अब यहाँ पे ध्यान रखना ग्लूकेगोन का वर्क क्या होता है। फूड अपन ने खाया, टू रिलीज स्टोर फूड शुगर इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर यहाँ पे स्टोर जो फूड है उससे शुगर को ब्लड में ले जाने का काम करेगी, शुगर को ले जाने का काम करेगी। और इंसुलिन क्या करती है? शुगर को ब्लड से कम करती है, ब्लड से यहाँ पे शुगर को कम करती है। शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन देते हैं, कम हो जाती है तो ग्लूकागन देते हैं। मतलब शुगर को ब्लड में ले जाने का काम करेगी और ब्लड में स्टोर करने का काम करेगी और ब्लड में रिलीज करने का काम करेगा। ग्लूकागन हार्मोन का वर्क होता है कि जैसे मैं बता दूं, ये आपका ब्लड, ये आपका ब्लड है और ये शुगर है। इस शुगर को ब्लड की तरफ ले जाने का काम तो करेगा ग्लूकागोन हार्मोन, मतलब ब्लड में रिलीज कर देगा, ब्लड में कुल मिला के पहुँचा देगा। और ब्लड में शुगर 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बढ़ाने का काम कौन करता है शुगर को? यहाँ पे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन बढ़ाने का काम करता है। अब ये शुगर को वापस निकालने का काम कौन करता है? शुगर को वापस ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? शुगर को कम करने का काम कौन करता है? वो होता है आपका इंसुलिन। ये इंसुलिन का वर्क होता है, याद रखना दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन और ग्लूकागोन अपोजिट वर्क करते हैं, ब्लड शुगर इंक्रीज। अब ये सीधा सा मेल है, ग्लूकोज सॉरी ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड शुगर को यहाँ पे बढ़ाएगा। तो अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकागोन हार्मोन होता है और उसका वर्क क्या होता है? यहाँ पे बढ़ाना, किसको? शुगर को, ब्लड की शुगर को बढ़ाना। अब आता है बीटा सेल, और 70% यह बीटा सेल होती है, 70% यहाँ पे पाई जाती है बीटा सेल। और 70% में ये क्या करती है? बहुत बड़ा धमाका करेगी, यह क्या करेगी? पैरासिंपेथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करेगी। पहले वाली तो कर रही थी सिंपेथेटिक को, जो अल्फा सेल थी वो सिंपेथेटिक को सिक्रेट कर रही थी और वहाँ से ग्लूकोगन निकल रहा था, लेकिन बीटा सेल क्या करेगी? पैरासिंपेथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करेगी उसको सिक्रेट होने के लिए। और अब ये इसने स्टिमुलेट हुआ, पैरासिंपेथेटिक जैसे स्टिमुलेट हुई और क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होगा। हार्मोन कौन सा सिक्रेट होगा? इंसुलिन। अलाउ टू सेल फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को यहाँ पे सेल की तरफ। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे ग्लूकोज को यहाँ पे कम करना है, कुल मिला के क्या करना है? ग्लूकोज को यहाँ पे कम करना है, ग्लूकोज या शुगर को यहाँ पे क्या करना है? कम। टू कैरी ग्लूकोज एंड गिवन सेल्स, ग्लूकोज को कैरी करेगा और सेल को दे देगा, मतलब ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकालना है, टेक करना है, वहाँ से लेना है, ब्लड के अंदर से लेना है, ग्लूकोज को सेल तक पहुँचाना है, सेल्स तक पहुँचाने का काम करता है। और होता है क्या है, इंसुलिन की जब कमी पड़ जाती है, इंसुलिन जब सिक्रेट नहीं होता है किसी कारणवश, तब क्या होता है? जब भी अपन खाना खाएंगे तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा और ब्लड में, ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ब्लड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और सेल तक नहीं पहुँच पाएगा। सेल तक पहुँचाने के लिए इंसुलिन हार्मोन ज़रूरी है, चाहे शरीर से बनो चाहे अपन बाहर से दे, कुछ भी करो, अपन को बाहर से देना है। अगर शरीर नहीं बना रहा है तो बाहर से देना है। नॉट डिपॉजिट इन ब्लड, और ब्लड के अंदर डिपॉजिट नहीं होने देता है। ब्लड के अंदर अगर इंसुलिन डिपॉजिट हो गया, सॉरी ग्लूकोज डिपॉजिट हो गया ब्लड के अंदर, तो यहाँ पे शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा पेशेंट का। तो यहाँ पे शुगर लेवल को बढ़ाने का काम अल्फा सेल करती है या ग्लूकागन हार्मोन करता है, और बीटा सेल जो इंसुलिन सिक्रेट करती है वो शुगर लेवल को कम करने का काम करती है। तो याद रखना ये बहुत ही मेजर है, मेजर यहाँ पे डिफरेंस है और वो याद रखना है सबको, कभी भी भूलना मत। ओके, बढ़े आगे, आप एक बार इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिखे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बहुत ही काम की चीज़ है,
शॉर्ट में बताई है स्वीट बताई है अपन ने। पेनक्रियाज क्या है? स्वीट ग्लैंड है, तो अपन स्वीट चलेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट। अल्फा बीटा ये दो सेल तो अपन ने पढ़ ली है, अब तीसरी सेल है वो आप बताओ कमेंट करके कौन सी सेल है तीसरी और उसका वर्क क्या होगा। अच्छा नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, बताएंगे। पहले ये उतार लो, लिख लिया सबने? ग्लूकागन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल, ग्लूकागन हार्मोन अल्फा सेल। अच्छा याद कैसे रखोगे तो मैं बताऊँ। ग्लूकागन और इंसुलिन हार्मोन जी और आई ये तो याद हो गया, फिर सोमाटोस्टेटिन हार्मोन आएगा आगे वो एस है, तो जी पहले आता है फिर आई आता है फिर एस आता है, इसी प्रकार के इसी प्रकार से अपन पढ़े थे। ए बी सी डी में ए पहले आता है तो अल्फा सेल के अंदर ग्लूकागन, जी याद रखना जी अल्फा सेल से याद रखना जी यानी ग्लूकागन, अल्फा जी और बीटा आई, अल्फा जी और बीटा आई, आई यानी इंसुलिन, बी और फिर ये जी के बाद में आई आता है। अगर सीक्वेंस वाइज ए बी सी डी के सीक्वेंस वाइज भी याद करोगे तो आपको हो जाएगा, इसको याद करने की कोई यहाँ पे इतनी हो। बीटा सेल से तो सबको याद है इंसुलिन है, फिर आती है अपने पास में डेल्टा सेल। अब तीसरी सेल है वो डेल्टा सेल है और इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? सोमेटोस्टेटिन, और ये 5% के रूप में पाई जाती है। पहले वाली कितनी थी? अल्फा सेल तो थी 20%, बीटा सेल कितनी थी? 70%, और यहाँ पे ये कितनी है? 5%। डेल्टा सेल डी बाद में आता है और फिर यहाँ पर आई के बाद में एस आता है, तो सीक्रेट आई के बाद में एस नहीं आता है मेरे को पता है, लेकिन सेल्स अपन हार्मोन पढ़ रहे हैं, तीन हार्मोन है तो आई के सीक्वेंस में ही एस आएगा, तो सीक्रेट कौन सा हार्मोन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, टू इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन। अब ये क्या करेगी? इंसुलिन को भी इनहिबिट करेगी और ग्लूकोज को भी इनहिबिट करेगी। मान लो कभी ग्लूकोज बढ़ रहा है कभी इंसुलिन बढ़ रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सोमेटोस्टेटिन देना होगा। ये मेंटेनेंस का वर्क करती है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल कभी इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो उसको कम करेगी, ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो उसको कम करेगी, इंसुलिन कम हुआ तो उसको ज़्यादा करेगी, ग्लूकोज कम हुआ तो उसको ज़्यादा करेगी। और अब आती है पीपी सेल। तीसरी सेल कौन सी है अपने पास में? पीपी सेल। पीपी सेल क्या करती है? इस पीपी सेल का पूरा नाम पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, प्ले द रोल इन एपेटाइट। एपेटाइट यानी लॉस ऑफ एपेटाइट भी बोल, एपेटाइट यानी भूख, भूख लगने के अंदर रोल प्ले करती है, यह भूख लगाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पीपी सेल, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल। अदर हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, अदर हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, जैसे कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस यानी एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, अपन इसको एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं, वो अपन ने पहले ही यहाँ पे पढ़ लिया है। अब पहले कहाँ पे पढ़ा अपन ने? जीएफआर के अंदर। बोथ आर रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग स्ट्रेस। अब ये क्या करेगा? स्ट्रेस के अंदर बोथ आर रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, स्ट्रेस के अंदर ब्लड शुगर लेवल को यहाँ पे रेगुलेट करेगा। फिर आता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी वर्क करता है। एंटागोनिस्ट इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के लिए एंटागोनिस्ट इफेक्ट डालता है। फिर आता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को यह रेगुलेट करता है ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टारवेशन, स्टारवेशन का टाइम पे। फास्टिंग मतलब जब आप व्रत करते हो उपवास रखते हो उस समय आपके ब्लड शुगर लेवल को यहाँ पे रेगुलेट करने का काम कौन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो ये तीनों ही यहाँ पे हॉर्मोन है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है आपके ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल या रेगुलेट करने के लिए। ग्लाइकोजेनेसिस, अब ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोजन
फॉर्म ग्लूकोज, जब ग्लाइकोजन सॉरी ग्लाइकोजन यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। SIS जब भी किसी वर्ड के लग पीछे लगता है तो अपन को सीधा सा मीन समझना है कि वहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रही है, फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है। जैसे एरिथ्रोपोइसिस यानी RBC फॉर्म होती है वहाँ पे, तो इसी प्रकार से पोइसिस पोइसिस SIS जिसके भी पीछे लगता है मतलब वहाँ पे कुछ प्रोसेस फॉर्म हो रही है, और वो फॉर्मेशन की प्रोसेस, निर्माण की प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस जैसे फैट। अब आता है अपने पास में इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस दिन अपन एक और डे सेलिब्रेट करते हैं, चाइल्ड डे, चिल्ड्रन डे, या चाचा नेहरू का बर्थडे भी होता है इस दिन, तो चिल्ड्रन डे भी अपन 14 नवंबर को एवरी डे सेलिब्रेट करते हैं। और अगर पूछ ले एग्ज़ाम में वर्ल्ड चाइल्ड डे या वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, तो ये कौन सा है, अपने पास में 10 नवंबर आएगा। 10 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है, 10 नवंबर या 10 नवंबर को। अब आता है अपने पास में डिजीज, कौन सी है, डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज मलाइटस, इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, जिसको अपन नॉर्मली बोलते हैं शुगर बढ़ गई है, शुगर बढ़ी हुई शुगर, किसी की शुगर बढ़ जाती है डायबिटीज मलाइटस हो जाता है उसको, ये बढ़ी हुई शुगर है। इसके फर्दर टाइप है अपन सारे के सारे पढ़ेंगे। तो डायबिटीज मलाइटस क्या होता है, ड्यू टू इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन। अब हुआ क्या है, मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, वो क्या हुआ है, इम्पेयर्ड हुआ है, इम्पेयर्ड यानी डिस्टर्ब हुआ है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब याद रखना, कॉज्ड बाई, अब किसके कारण हो सकता है ये कंडीशन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आइदर इम्पेयर्ड प्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपर, इसका प्रोडक्शन है वो इम्पेयर हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा, और सेंसिटिविटी है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और डायबिटीज मलाइटस वाली कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। देन आफ्टर ये डायबिटीज मलाइटस होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन तीनों ही यहाँ पे इम्पेयर्ड होंगे, इनका मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी है शरीर के अंदर, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसकी सेंसिटिविटी बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से रिजल्टिंग कैन कॉज हाई ब्लड शुगर लेवल। और रिजल्टिंग, अब ये अगर कंडीशन अपने पास में हुई, फैट प्रोटीन का और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, इंसुलिन की कमी पाई गई, तो क्या कॉज कर सकता है यहाँ पे, हाई ब्लड शुगर लेवल, मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को, हाइपर ग्लाइसीमिया हो गया, चलो हो गया साहब। अब क्या होगा, टाइप्स, अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स हाइपर ग्लाइसीमिया। पहले अपन को नॉर्मल शुगर पढ़नी होगी, देन आफ्टर अपन जा सकते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया पे। तो नॉर्मल शुगर कितनी होती है वो पढ़े सबसे पहले। एक तो होती है फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होती है रैंडम ब्लड शुगर, दो तरह की शुगर अपन लर्न करते हैं। फास्टिंग जब भी अपन पढ़ेंगे तो फास्टिंग अपन पढ़ेंगे 72/110 mg पर dl, ठीक है, ये कितनी है, ये कौन सी है, फास्टिंग ब्लड शुगर। जब अपन भूखे पेट होते हैं तो ये इतनी आती है अगर, तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपन रेंडम ब्लड शुगर, देखो पैरामीटर में मिस्टेक हो सकती है, पैरामीटर में मिस्टेक ये हो सकती है, आपको रेंज
आपने कहीं अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा तो वहाँ से रेंज अलग बताई होगी, लेकिन हमारी रेंज जो ऑथेंटिक बुक है उसी के हिसाब से चलती है। तो रेंज में आपको ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि किसी किसी बुक में अलग भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन रेंज इसी के आसपास मिलेगी सबको। अब आप पढ़ते हैं अपन रेंडम ब्लड शुगर, वो मानी जाती है यहाँ पे किसी किसी बुक में तो लिख रखा है 80 से लेके यहाँ पे 120, लेकिन हम जो कंसिडर करते हैं, हम हमारी बुक्स के अंदर जो कंसिडर करते हैं वो अपन करते हैं 90, क्योंकि रेंडम है, खाना खा रखा है पेशेंट ने, 80 से नॉर्मल मानी जाती है 120, तो रेंडम खाना खा रखा है तो 90 से अपन यहाँ पे 140 तक भी मान सकते हैं, 140 mg पर dl तक भी खाना खाने के बाद में आती है। ये रियल डाटा है, ये तो आपकी किताबी ज्ञान है लेकिन ये रियल डाटा है। क्या अगर 90 आ जाएगा, क्या 120 से थोड़ा सा पार आ जाएगा तो आप उसको वहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया का शिकार मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? अगर मान लो बीपी भी पढ़ते हैं अपन, नॉर्मली बीपी भी पढ़ते हैं 120/80 नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन बाई चांस मान लो 90, 140/90 आ गई तो उसको क्या हाई थोड़ी मानेंगे? नहीं, उसको भी अपन हाई नहीं मानेंगे, उसको भी अपन ठीक ठाक पैरामीटर ही मानेंगे। तो ये होता है, तो ये हाइपर ग्लाइसेमिया था। टाइप्स, टाइप्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, और तीसरा एक और होता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 तो सबने एमएसएन के अंदर पढ़े होंगे, पर टाइप 3 आता है अपने पास में, ओबीजी से रिलेटेड आता है। अब आपको बताना है वो टाइप 3 कौन सा है। टाइप 2 भी आ गया आपके सामने, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी आ गया आपके सभी के सामने, टाइप 3 बताओ, गेस्टेशनल हाइपर, सॉरी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा अपने पास में आता है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये क्या होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल बढ़ता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस। वो भी अपन पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस। और इस टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस को अपन और क्या कंसिडर करते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज मलाइटस। एक पढ़ा होगा आपने जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल एक्ट पास हुआ था, जुवेनाइल यानी बाल अधिकार, तो बालकों के लिए जुवेनाइल वर्ड यूज किया जाता है, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए। तो यह जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस या चिल्ड्रन ऑनसेट या ब्रिटल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोल सकते हैं, ब्रिटल डायबिटीज मेलाइटिस भी इसको कंसिडर करते हैं टाइप 1 को। ये किस कमी से होता है वो भी अपन जानेंगे। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज IDDM, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। ये इंसुलिन की का मतलब डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन की कमी से ही यह होगा। मोस्ट कॉमन इन यंग एज एंड चिल्ड्रन, ये यंग एज और चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, और वो भी 5 से लेकर 10% चिल्ड्रन के अंदर पाया जाता है। कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस के? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, अगर मान लो ऑटो इम्यून कॉज ये जेनेटिक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, बीटा सेल अगर डिस्ट्रॉय हो चुकी है या बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उस वाली कंडीशन में इंसुलिन नहीं बनेगा प्रॉपर, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो यहाँ पे सिक्रेट नहीं होगा, और ये जुवेनाइल वाला यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस कॉज कर सकता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। जेनेटिक, जेनेटिक भी हो सकता है डायबिटीज, यह एनवायरमेंटल भी हो सकता है। इफ नॉट ट्रीट, अगर अपन ने टाइप 1 को ट्रीट नहीं किया तो यह क्या कॉज कर सकता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होगा? फैट ब्रेकडाउन होगा और कीटोन्स बनेंगे। फैट ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बनते हैं। कीटोन का फॉर्मेशन कब होता है? जब फैट ब्रेकडाउन होता है, और फैट ब्रेकडाउन होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन में। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ, फैट ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे कीटोन्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये वाली कंडीशन अपने पास में टाइप 1 वाली आती है। अब पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, इसके आगे देखते हैं अगर टाइप 2,
टाइप सेकंड डायबिटीज मलाइटस अगर अपन देखें तो 90 से लेकर 95%, यहाँ पे 90 से लेकर 95% यानी 90 से 95% तक यह पाया जाता है, और इसको एडल्ट डायबिटीज मलाइटस भी बोला जाता है। तो इट इज आल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। और याद रखना, थर्ड टाइप का जो डायबिटीज मलाइटस है, प्रेग्नेंट महिला को अगर डायबिटीज मलाइटस हुआ है, अगर उसकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और अपन ने अभी भी उसको ट्रीट नहीं किया, तो वह टाइप सेकंड में जा सकता है। पेशेंट प्रेगनेंसी हो चुकी है, ट्रीट नहीं किया अभी तक डायबिटीज मेलाइटिस, तो उसी को अपन टाइप सेकंड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी तो खत्म है, गेस्टेशनल वायस हट गया, तो अब डायबिटीज मेलाइटिस कौन सा होगा? वो वापस इसमें आ जाएगा, सेकंड वाले में आ जाएगा, क्योंकि वो एडल्ट है महिला। तो जो इट इज आल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइट, ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है, किसी अदर फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। एडल्ट डायबिटीज मलाइटिस भी इसको बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमन डायबिटीज मलाइटिस होता है, सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट भी बोल सकते हैं इसको। कॉजेज क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? मोस्ट यहाँ पे टाइप टू के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं? ओबिसिटी, ओबिसिटी मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज मलाइटिस हुआ है तो टाइप सेकंड वाला, तो अपन को भी वो हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस, जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस जब भी किसी को कॉज करता है तो वो टाइप सेकंड के अंदर भी आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बता दिया कि कॉजेज क्या क्या है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस की वजह से भी टाइप सेकंड डायबिटीज मलाइटस होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है डायबिटीज मलाइटस सेकंड के? इफ डज नॉट ट्रीट, अगर अपन ने टाइप टू डायबिटीज मलाइटस को ट्रीट नहीं किया तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम भी हो सकता है पेशेंट को। हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम भी पेशेंट को हो सकता है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक यहाँ पे सिंड्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और पेशेंट की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। पेशेंट की क्या हो सकती है? डेथ, याद रखना, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डज हैव मोर मोर्टिलिटी 0.45% NSU, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होती है मोर्टिलिटी की। अपन क्या यूज करते हैं? NS, क्योंकि डेक्सट्रोस देंगे पेशेंट को, अगर डेक्सट्रोस लगाया तो और ज़्यादा यहाँ पे डायबिटीज़ होगा पेशेंट को, डायबिटीज मलाइटिस वाली कंडीशन और ज़्यादा होगी और पेशेंट यहाँ पे शोक में जा सकता है, सॉरी कोमा में जा सकता है पेशेंट। अब आता है अपने पास में थर्ड वाला डायबिटीज मलाइटिस वाला, जेस्टेशनल। तो जेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस क्या होता है? कॉमनली अकर सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। यह प्रेगनेंसी का कौन से ट्राइमेस्टर में अकर होता है? दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यह अकर होता है। ड्यू टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, और यह ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, और यह कहाँ से सीक्रेट होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन सिंथेसियो ट्रोपोब्लास्ट, ये इसके कारण होता है टू सीक्रेट HPL। यह सिंथेसियो ट्रोपोब्लास्ट होती है, वो सेल कहाँ से सीक्रेट होती है? वो क्या सीक्रेट करती है, मतलब सेल सिंथेसियो ट्रोपोब्लास्ट क्या सीक्रेट करती है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, अब बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि बेबी के बर्थ के बाद में गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टाइप सेकंड डायबिटीज मलाइटिस में, और यह कंडीशन अपन को 5 से 10% देखी जाती है। ये कंडीशन 5 से 10% अपन को देखने को मिलती है। क्लिनिकल फीचर्स किसके? डायबिटीज मलाइटिस के 3P सिम्टम अपन को देखने को मिलते हैं। 3P सिम्टम, अब 3P कौन कौन से हैं? पोलीयूरिया, पोलीयूरिया यानी यूरिन आउटपुट ज़्यादा, यूरिन आउटपुट नॉर्मल से भी ज़्यादा आना, नॉर्मल जो पैरामीटर होता है उससे भी ज़्यादा आना। पोलीफेजिया यानी एक्सेसिव हंगर, हंगर यानी भूख लगना, और एक्सेसिव थ्रस्ट पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया होगा मतलब भूख ज़्यादा लगेगी और
यानी उसको एक्सेसिव यहाँ पे डिप्सिया यानी थ्रस्ट प्यास ज़्यादा लगेगी, और पानी भी यहाँ पे प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, और यूरिन भी ज़्यादा आएगा उसको पेशेंट को। ये डायबिटीज मेलाइटिस के 3P सिम्टम है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इसको आपको नोट डाउन ज़रूर करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3P सिम्टम इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में एग्जाम में पूछा सकते, एक्सेप्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एडीएस, और डायबिटीज जो इंसिपिडस वाली कंडीशन होती है वो कब यहाँ पे डेवलप होती है, जब यहाँ पे एडीएच एंटीडायोरेटिक हार्मोन है वो अगर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन है वो कम पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, डायबिटीज इंसिपिडस। और वेट लॉस होता है पेशेंट को, मतलब डायबिटीज मेलाइटिस से डायबिटीज इंसिपिडस भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब आर्टरी का जो प्रेशर है वो यहाँ पे कितना होता है, 180 mg/dL, और वेन का कितना होता है, 170 mg/dL, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को, ब्लर्ड विजन देखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, और स्लो वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है वुंड हीलिंग स्लो होगी। वुंड हीलिंग का अर्थ होता है यहाँ पे घाव भरने की जो रेट है वो कम हो जाएगी, घाव कम कम धीरे धीरे भराएगा। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन की बात करें तो सिंपल से है, यहाँ पे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डायबिटीज मलाइटस के। तो दोस्तों आज का जो हमारा टाइम था वो भी पूरा हो चुका है, हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे आज की, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है वो अपन फर्दर कल कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के सामने ये क्लास यहीं तक थी, तो आज की जो हमारी क्लास है वो उसको आप अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आज भी वही बात कहूँगा कि उन लोगों तक ज़रूर पहुँचावे जो जिनको अभी तक इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। आपकी बस एक ही यहाँ पे है कि आपका एक ही काम है कि आपको यहाँ पे सब तक यह क्लास पहुँचानी है, और एक मोटिवेशन भी है आप सभी के लिए, पहले देना चाहिए था मोटिवेशन फिर क्लास स्टार्ट करनी चाहिए थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है मोटिवेशन जब याद आता है तभी हम बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है अपना, तो मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, याद रखना कि मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली, ये मेरी लाइफ की स्टोरी में कभी लिखा हुआ नहीं होगा, याद रखना। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। तो दोस्तों हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी, क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कल फिर मिलते हैं अपन फर्दर, यहाँ पे टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ेंगे, और अपन कल इंसुलिन थेरेपी भी यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, इंसुलिन जो डायबिटीज़ मेलाइटिस का यहाँ पे ट्रीटमेंट के रूप में, ट्रीटमेंट मोडलिटीज के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपना ये इंडोक्राइन वाला सेशन, और इंसुलिन के साथ में हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे कवर हो जाएगा, और पूरा सिस्टम आप सभी के सामने यहाँ पे पूरा होता है, तो इस प्रकार से अपन वहाँ पे आगे से आगे बढ़ेंगे, और फिर इस सिस्टम के बाद में अपन एक नया सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम लेके आ रहे हैं एबीजी एनालिसिस का, हाथों हाथ आपको MCQ भी क्लियर कराएंगे, और ऐसा याद करवाएंगे कि आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा कभी आप कॉपी भी नहीं खोलोगे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, ढेर सारे उसमें थ्योरी के साथ में MCQ दिए हुए हैं हमने, पर्टिकुलर अलग अलग सब अलग अलग तरह से MCQ अपन ने यहाँ पर पुट किए हैं, तो बहुत ही सेशन धमाकेदार रहने वाला है अगला ABG एनालिसिस का। तो आपसे अब अलविदा चाहेंगे कल तक के लिए, और कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।